वेलकम टू अवर पैनासोनिक कुकिंग। मैं शेफ विपिन आपका स्वागत करता हूं आज की हमारी कुकिंग क्लास में। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं हनी गार्लिक चिकन। हाँ जी, हनी गार्लिक चिकन बनाएंगे आज की वीडियो में हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें किन किन सामान की जरूरत पड़ेगी हनी गार्लिक चिकन बनाने के लिए, आइए देखते हैं। हनी गार्लिक चिकन बनाने के लिए हमें यहाँ पे हमने लिया हुआ है चिकन, चॉप किया हुआ गार्लिक, हनी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ब्लैक पेपर पाउडर यहाँ पे लिया हुआ है, गार्लिक पाउडर लिया हुआ है, थोड़ा सा ऑयल यूज करेंगे हम, ये कॉर्नफ्लावर लिया हुआ मैंने, सोया सॉस और विनेगर। तो हनी गार्लिक चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हमने चिकन ले लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड कर दूंगा, थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूंगा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूंगा। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए। इस तरीके से मैंने मिक्स कर देना है, हम इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। देखिए तो यहां पे मैंने मिक्स कर दिया है इस तरीके से। अब मैंने यहां पे बेकिंग ट्रे ले लिया, मैंने उसको अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लिया है और उसके बाद हम इसको चिकन को यहां पे जैसे मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इस तरीके से हम रख देंगे, ये देखिए। और अब हम अपने पैनासोनिक माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री पे प्री हीट कर लेंगे और उसके बाद 200 डिग्री पे ही हम इसको 10 मिनट के लिए रख लेंगे। तो जैसे कि मैंने बेकिंग ट्रे पे अच्छी तरह चिकन को ऑयल से ग्रीस करके रख दिया है बेकिंग ट्रे पे, अब हम अपने पैनासोनिक के माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री पे इस माइक्रोवेव को प्री हीट कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा माइक्रोवेव प्री हीट हो जाएगा उसके बाद हम 200 डिग्री पे ही इसको 10 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड पे रख देंगे। तो 10 मिनट बाद हम आगे का प्रोसेस में ऐड करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारा माइक्रोवेव प्री हीट हो चुका है। अब हम जो बेकिंग ट्रे पे हमने जो चिकन रखा है उसको हम माइक्रोवेव के अंदर रख देंगे और इसको 200 डिग्री पे ही हम 10 मिनट का टाइम दे देंगे। 10 मिनट हम इसको दे देंगे, टोटल हमने 10 मिनट का जैसे कि इसमें टाइम देना है और 10 मिनट का हम इसको टाइम दे देंगे और 10 मिनट बाद जो आगे का प्रोसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि टाइम कंप्लीट होने वाला है जो हमने टाइम दिया हुआ था और हमारी जो चिकन है वो ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसके बाद जो रेसिपी का जो आगे का प्रोसेस है हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं ग्रेवी बनाने के लिए हम क्या क्या इसमें ऐड करेंगे। गार्लिक चिकन बनाने की ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पे हमने लिया हुआ बटर, वैसे तो हम ऑयल भी यूज कर सकते हैं बट यहाँ पे मैंने बटर लिया हुआ है। तो हम बटर को बाउल में रख के इसको हम टाइम दे देंगे 1 मिनट का और 1 मिनट बाद हम इसमें जो चॉप किया हुआ गार्लिक है उसके बाद थोड़ा सा हनी है और नमक हम इसमें स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे। जैसे कि हमारा जो बटर था वो अच्छी तरह मेल्ट हो गया है, अब हम इसके बाद इसमें जो चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कर देंगे हनी इसमें हम ऐड कर देंगे। सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर। थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे और गार्लिक पाउडर भी ऐड करेंगे। नमक हम इसमें स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे। तो नमक हमने इसमें स्वाद अनुसार ऐड कर देना नमक को। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके
ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर देना हमने, और फिर से हम इसको 1.5 मिनट का टाइम दे देंगे। तो जैसे कि हमारा टाइम जो हमने 1.5 मिनट का दिया था वो पूरा होने वाला है। ये देखिए पूरा हो चुका है और जो इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसके बाद जो हमारा चिकन था हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए चिकन को हमने ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और जो हमारा कॉर्नफ्लोर था, जो हमने कॉर्नफ्लोर रखा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसके इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए देखिए, अब हम इसको हाई पावर पे माइक्रो मोड पे हम इसको 4 मिनट का टाइम दे देंगे। तो जैसा कि टाइम कंप्लीट होने वाला है और हमारी जो रेसिपी है वो बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमारी जो रेसिपी है हनी गार्लिक चिकन बनके तैयार है, और अब ये रेसिपी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और अब हम इसको गार्निश कर देंगे अच्छी तरह। तो ये देखिए आज की रेसिपी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। Panasonic.